अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कुरुतलैन है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर वन प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज और बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो व्यूअर्स, आज हम एक प्रोजेक्ट को जहाँ पे सोसाइटी को विजिट करने जा रहे हैं, बेसिकली वो है गुलबर्ग ग्रीन। हमने इसको पहले भी रिव्यू किया था, लेकिन उस तरह से काफी सारी डिटेल्स इसमें नहीं थी, तो हमने सोचा कि आपको एक डिटेल रिव्यू दें। काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी उसकी, काफी अच्छा हमें रिस्पांस आ रहा था, तो हमने सोचा कि उसको डिटेल से रिव्यू किया जाए। सो व्यूअर्स, राइट नाउ हम मौजूद है इस टाइम G8 मरकज में, और जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से इस्लामाबाद से G8 मरकज से लाइक 2 मिनट्स की ड्राइव पे 0 पॉइंट आ जाते हैं, तो 0 पॉइंट से ये सिग्नल फ्री रोड है, और इसका जो डिस्टेंस है 10 to 8 मिनट में हम इंशाल्लाह गुलबर्ग के जो मेन राउंड अबाउट पे होंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे। अगर घर बनाने का सोचते हैं तो सबसे पहले उसकी शहर से जो दूरी देखी जाती है, जो इसका डिस्टेंस देखा जाता है, सबसे पहले उसको देखा जाता है। तो इसका जो प्लस पॉइंट है ये मेन एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद पे है, और जो सेंट्रल लोकेशन इसको देखी जाए कि कहाँ से इसको एक्सेसिबिलिटी को इसका डिस्टेंस हम चेक करते हैं, तो इसका इस्लामाबाद का जो मेन सेंट्रल पॉइंट है वो 0 पॉइंट है, और 0 पॉइंट से ये सिग्नल फ्री रोड है इसका, और ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में आप पहुँच जाते हैं गुलबर्ग के मेन गेट पे। इसी तरह अगर आप रावलपिंडी से आते हैं तो न्यू जो ओल्ड एयरपोर्ट है इसका, वहाँ से आप 3 से 4 मिनट में आप इसकी जो मेन एंट्रेंस है गुलबर्ग की वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी तरह अगर आप रवात से आते हैं तो व्यूअर्स तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं आपके आपको गुलबर्ग के मेन पॉइंट तक पहुँचने तक। जी तो हमने अभी 0 पॉइंट क्रॉस कर लिया, अभी हम I8 मरकज के सामने से ही गुजर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है जो रास्ता जाता है सोसाइटी की तरफ, और जो इसकी रोड्स हैं बहुत ही खुली और सिग्नल फ्री रोड्स हैं, बहुत ही खूबसूरती, आप इस खूबसूरती को भी एंजॉय करते हैं जब आप अपना किसी अच्छी जगह घर लेते हैं, सोसाइटी अच्छी होती है, और उसकी जब उसका जो ट्रेवल डिस्टेंस है जब आप आते जाते हैं इस्लामाबाद या कहीं भी, तो उसकी जो ये ग्रीनरी है ये भी आप एंजॉय करते हैं, रोड्स को भी, तो ये लोकेशन जो जाती है आपकी सोसाइटी की तरफ उसको भी आप बड़ा एंजॉय कर सकते हैं, बड़ी खूबसूरत सी रोड। तो व्यूअर्स, हम लोग अभी मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे पहुंच गए हैं, और अपनी जो सोसाइटी है गुलबर्ग के मेन एंट्रेंस पे हैं अभी हम, और अगर आप यहाँ से स्ट्रेट चले जाते हैं तो आप DHA और PWD और इसी के साथ बहरिया को आप एक्सेस करती है ये रोड, लेकिन हमने आज गुलबर्ग को रिव्यू करना है तो हम यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे, और ये आप देख सकते हैं कि जो इसकी गुलबर्ग की मेन एंट्री है बहुत ही खूबसूरत एंट्री है इसकी, और लोकेशन इसकी जो है वो इसका प्लस पॉइंट है, और इसके जो देखो सिग्नल फ्री रोड्स हैं हम आए हैं अभी, और ये बिल्कुल जी तो हम एंटर हो गए हैं गुलबर्ग में, और ये इसकी बहुत गुलबर्ग एक्सप्रेसवे कहा जाता है इसको, और देख सकते हैं आपके बहुत ही खूबसूरत इसकी एंट्री है। इसका बेसिकली जो थीम है वो ग्रीन थीम है व्यूअर्स, और देखें आप इसकी जो खूबसूरती है जी। तो व्यूअर्स, हम पहुंच गए हैं गुलबर्ग की मेन एंट्री पे, इसे रेड ब्रिज भी कहा जाता है और कायदे आजम ब्रिज भी कहा जाता है इसके। जी तो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं गुलबर्ग में, और आपको मैं थोड़ा सा पहले सोसाइटी का इंट्रोडक्शन देती चलूँ, इससे आगे बढ़े हम, इससे पहले मैं आपको सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। बेसिकली गुलबर्ग IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की सोसाइटी है, और इसके साथ इसकी तमाम इसका जो टोटल रकबा है व्यूअर्स 75,000 करार पे ये मुश्तमिल है, और इसकी जो तमाम एनोसिस क्लियर हैं, जैसे कि सुई गैस, और जैसे कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी की एनोसिस भी हैं, और इसी के साथ जो ये CDS सेक्टर में आता है बेसिकली गुलबर्ग, और CDS अप्रूव्ड है, और इसकी जो सबसे खूबसूरत बात है ये इसके जो थीम दिया गया है वो पूरा ग्रीन थीम दिया गया है, और इसकी जो सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ आती हैं काफ़ी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि इसके लेफ्ट साइड पे गोरी टाउन, इसके राइट साइड पे नेवल एंकरेज है, AJK सोसाइटी है, OPF है, और काफ़ी सारी खूबसूरत सोसाइटीज़ हैं। ये तो व्यूअर्स, मैं आपको कुछ और डिटेल्स देती हूँ गुलबर्ग की। जैसे कि आप सब जानते हैं गुलबर्ग को बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक इसका गुलबर्ग ग्रीन है, ग्रीन में फार्म हाउसेज हैं, और एक गुलबर्ग रेजिडेंशियल जिसमें रिहायशी प्लॉट्स हैं। तो हम पहले बात करते हैं गुलबर्ग ग्रीन की, तो जहाँ पे 6 ब्लॉक हैं फार्म हाउसेस के, एग्जेक्टिव ब्लॉक है A ब्लॉक, B ब्लॉक, C, D और E ब्लॉक। यहाँ पे जो साइजेस हैं फार्म हाउसेस के 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल के हैं। तो
तो व्यूअर्स, इसी के साथ जैसे कि आप गुलबर्ग रेजिडेंशिया में हम चाहते हैं, तो गुलबर्ग रेजिडेंशिया में 22 ब्लॉक्स हैं जो कि जिसमें जो साइजेस मौजूद हैं 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल 2 कनाल के जो रिहायशी प्लॉट्स हैं। इसी के साथ व्यूअर्स मैं आपको बताते चलूँ कि गुलबर्ग ग्रीन और रेजिडेंशिया के जो मिड में नॉलेज विलेज आता है, जहाँ पे स्पोर्ट्स सिटीज़ होंगी, जहाँ पे स्कूल्स होंगे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, तो प्रॉपर इसको एक ऐसा थीम दिया गया है जहाँ पे आपको हर फैसिलिटी मिलेगी जो कि एक नीड होती है। और इसी तरह मैं आपको बताती चलूँ कि इसका जो ओवरऑल जो आप जैसे गुलबर्ग में एंटर होते हैं, रेड ब्रिज क्रॉस करते हैं और इसी तरह आप जाते हैं जब रेजिडेंशिया के डी मरकज तक जाते हैं, तो इसका ओवरऑल मेन पे कमर्शियल है और इसके बैक साइड पे जो इसके फार्म हाउसेस ग्रीन्स में आते हैं, इसी तरह जब आप रेजिडेंशिया में जाते हैं तो इसके रिहायशी प्लॉट्स आते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आपको ज़रा, अभी हम इस तरह मौजूद हैं ग्रीन्स में और आपको थोड़े से फार्म हाउसेज का थोड़ा सा व्यू देंगे। बेसिकली ये गुलबर्ग के जो फार्म हाउसेज हैं और ये आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत खूबसूरत फार्म हाउसेज, यहाँ पे काफ़ी डेवलप्ड सोसाइटी है और बहुत ही खूबसूरत इसको जो ग्रीन थीम दिया गया है इसको इसकी खूबसूरती को और इन्हेंस कर रहा है। ये आप देख सकते हैं बड़े प्यारे प्यारे फार्म हाउसेज यहाँ पे रेडी हैं। इसी तरह ये हम अभी इस टाइम ए ब्लॉक में मौजूद हैं और इसी तरह इसका हर ब्लॉक डेवलप विजिट करवाया है गुलबर्ग ग्रीन्स का। और अब हम मौजूद हैं गुलबर्ग रेजिडेंशिया में और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये इसका रेजिडेंशिया का कमर्शियल है। थोड़ा सा कैमरा मूव कीजिएगा, ये आप देख सकते हैं काफ़ी डेवलप है गुलबर्ग रेजिडेंशिया भी। और ये इसका सामने सी ब्लॉक है, ए ब्लॉक, और इसी के साथ इसके ए ब्लॉक में इसका अपना ग्रिड स्टेशन है गुलबर्ग का। और अभी मैं चले आपको विजिट करवाती हूँ गुलबर्ग रेजिडेंशिया का, थोड़ा सा मैं आपको इसका व्यू देती हूँ कि ये कितना डेवलप है आप देख सकते हैं जी। तो आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सी मॉस्क है, ये इसका डी मरकज कहलाता है। ये इसके साथ इसका लेफ्ट पे इसका जो है ई ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, जी, और इसके साथ ही आप जब आगे जाते हैं तो इसका ये राइट साइड पे आप देखें बड़ा अच्छा कमर्शियल, बड़ा खूबसूरत कमर्शियल है। और इसी के साथ इसके ये रेजिडेंशियल आप देखेंगे किस तरह से डेवलप हो चुका हुआ है ये, और काफ़ी प्यारे प्यारे खूबसूरत से घर बन चुके हैं। और इसका कमर्शियल भी आप देख रहे हैं, जैसे कि सब चीज़ें डेवलप हैं और आप लोग आएँ घर बनाएँ, यहाँ बहुत ही खूबसूरत एक सोसाइटी है। एक्सेस वाइज आप देख लें इसका ओवरऑल, ये बड़े ही प्यारे खूबसूरत से विलास रेडी किए गए हैं 10 मरला पे हैं ये। और गुलबर्ग की जो खास बात है, इसकी जो कमर्शियल की खास बात है, इन फ्यूचर ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बनने को जा रहा है, क्योंकि इसका जो कमर्शियल है बहुत ही बड़ा कमर्शियल है और इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बनेगा। हमने आपको गुलबर्ग ग्रीन्स और रेजिडेंशिया का विजिट करवा दिया, लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गुलबर्ग का जो बिजनेस जो इसका कमर्शियल है उसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देर ना करें, बहुत ही खूबसूरत इसका कमर्शियल है। और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे टेलीनॉर का जो हेड ऑफिस शिफ्ट हुआ है और वो ऑपरेशनल है, वहाँ 6000 एम्प्लॉयज ऑन ग्राउंड वर्किंग कर रहे हैं। इसी के साथ व्यूअर्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और कमर्शियल बन रहा है, वो बहुत अच्छे बिल्डर्स ने उनको डेवलप किया है, बहुत नामवर बिल्डर्स जो हैं और पाकिस्तान के, जैसे कि प्रिज्म हाइट्स यहाँ पे आ रहा है, समामा जो समामा स्टार है, उसी के साथ जो है स्काई पार्क 1, स्काई पार्क 2, क्रॉकरम हाइट्स, तो बहुत ही खूबसूरत मैग्नस मॉल यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत एक शॉपिंग मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स जो रेडी हो रहा है। तो ओवरऑल आप देखें कि बहुत ही खूबसूरत कमर्शियल है। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस, और इन फ्यूचर देखें रेजिडेंशियल यहाँ पे आपको यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेजिडेंशियल भी है यहाँ पे, फार्म हाउसेस भी हैं और कमर्शियल, इसके कमर्शियल इन फ्यूचर बहुत बड़ा एक बिजनेस हब बनने को जा रहा है। तो मैं जी, तो व्यूअर्स हमने आपको गुलबर्ग ग्रीन्स और रेजिडेंशियल का विजिट तो करवा दिया, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी खूबसूरत सी सोसाइटी है और इतनी फैसिलिटीज के साथ इतनी प्रीमियम लोकेशन पे, तो आप लोग इसकी प्राइसेस के बारे में जानना चाह रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी प्राइसेस की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इसके ग्रीन्स की जो इसके फार्म हाउसेज की प्राइसेस हैं वो बताती चलूँ। जो गुलबर्ग ग्रीन के जो फार्म हाउसेज हैं, जो 4 कनाल की प्राइस है, इसमें बेसिकली 3 साइजेस हैं, 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल के। तो 4 कनाल की जो प्राइस है, इसमें ऑप्शंस हैं नॉन डेवलप और डेवलप के। तो
तो नॉन डेवलप आपको तकरीबन जो चार कनाल का है वो आपको 3 करोड़ 3.25 करोड़ तक मिल जाता है, 3.5 करोड़ तक मैक्सिमम। इसी के साथ अगर आप डेवलप लेना चाहते हैं चार कनाल का तो वो डिफरेंट ब्लॉक वाइज इसके जो प्राइसेस हैं लाइक आपको एक मैं माइनर सा मैं इसका वो आपको आइडिया दे दूंगी, तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ तक आपको खूबसूरत सा चार कनाल का फार्म हाउस मिल जाता है। इसी तरह अगर आप 5 कनाल का फार्म हाउस लेना चाहते हैं तो उसका जो नॉन डेवलप है तकरीबन 4 करोड़ 4.25 करोड़ है, और इसी तरह 5 करोड़ 5.5 करोड़ तक आपको डेवलप मिल जाता है 5 कनाल का फार्म हाउस। 10 कनाल के फार्म हाउस की आप बात करते हैं तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम आपको जो स्टार्टिंग है इसकी 6 करोड़ 7 करोड़ और 10 करोड़ तक भी ये जा रहा है। हर ब्लॉक वाइज हर लोकेशन वाइज हर प्लॉट की नवायत के साथ इसके प्राइसेस चेंज भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी, लेकिन मैंने आपको जनरल एक आइडिया दिया है क्योंकि इसके फिक्स तो कोई प्राइसेस नहीं है, काफ़ी सारे रीसेल में भी आ रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको अब बताती चलूँ कि रेजिडेंशिया के बेसिकली इसके 22 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक का डिफरेंट प्राइस है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूँगी कि यहाँ पे जो 5 मरला है सिर्फ उसका एक ही ब्लॉक है नॉन डेवलप वो है, अभी 3 साल बाद उसकी पोजीशन मिलेगी जहाँ पे 5 मरला की फैसिलिटी आपको दी जा रही है वो है डबल ए ब्लॉक। तो व्यूअर्स डबल ए ब्लॉक में जो स्टार्टिंग है 5 मरला की कैश पे वो है तकरीबन 20 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिल जाता है। इसी के साथ आप चाहते हैं 7 मरला पी ब्लॉक में नॉन डेवलप आपको जो मिलता है वो तकरीबन 30 से 35 तक आपको मिल जाता है, और इसी तरह जब आप जाते हैं डेवलप की तरफ 7 मरला तो 7 मरला 50, 45, 55 इस तरह की रेंज में आपको मिलता है, क्योंकि इसके हर ब्लॉक की लोकेशन डिफरेंट है, साइजेस डिफरेंस हैं, तो इस तरह इसकी प्राइसेस चेंज हो जाती हैं, तो इसकी कोई एक फिक्स प्राइस नहीं है। जैसे कि आप इसके देखेंगे 10 मरला की, तो 10 मरला की इसकी जो डेवलप टी ब्लॉक में अगर आप चले जाते हैं लाइका तो आपको तकरीबन 63 से 65 में आपको रेडी टू कंस्ट्रक्शन प्लॉट 10 मरला मिल जाता है। इसी तरह अगर आप 10 मरला नॉन डेवलप में आते हैं तो तकरीबन आपको 40-45 में और 50-55 की रेंज में मिल जाता है ब्लॉक वाइज के अकॉर्डिंगली। इसी तरह इसका एक कनाल का जो प्राइसेस चल रही हैं नॉन डेवलप की तकरीबन 95 लाख स्टार्टिंग है, और जो अगर आप पी में चले जाते हैं तो तकरीबन आपको 65 से 70 में आपको एक कनाल का मिल जाता है। इसी तरह आप अगर आगे के ब्लॉक्स में आ जाते हैं नॉन डेवलप आपको लाइक एस में आ जाते हैं तो आपको इसका जो टी में अगर आप आ जाते हैं तो तकरीबन 90 से 95 में आपको मिल जाता है। इसी तरह जब आप इसके ए ब्लॉक जो स्टार्टिंग के बड़े ब्लॉक्स हैं इसके जो आई ब्लॉक हो गया इसमें आते हैं तो आपको जो डेवलप मिल जाता है एक कनाल का प्लॉट वो तकरीबन 1 करोड़ से मतलब स्टार्टिंग जो है नॉन डेवलप इन नज़दीक के ब्लॉक्स में। इसी तरह इसके जो नज़दीक के ब्लॉक हैं स्टार्टिंग के ब्लॉक जिसे कहते हैं तो उनमें आपको मिल जाता है तकरीबन 1.5 से 1.75 करोड़ तक आपको मिल जाता है, लोकेशन का डिफरेंस है। इसी के साथ जैसे आप यहाँ पे 2 कनाल के काफ़ी कम ऑप्शन है लेकिन उनकी जो प्राइसेस हैं तकरीबन 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक इसकी जो 2 कनाल के प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल के उनके जो प्राइसेस हैं तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ हैं। इसी तरह यहाँ पे 12 मरला के ऑप्शन हैं लास्ट जो बहुत ही कम प्लॉट्स हैं तो उसकी जो प्राइस रेंज है तकरीबन वो आपको मिल जाता है 70 से 1 करोड़ तक। तो व्यूअर्स हमने आपके साथ सारी प्राइसेस शेयर कर दी हैं क्योंकि इसका कोई फिक्स वो नहीं है कि ब्लॉक वाइज हैं लेकिन अप एंड डाउन जैसे मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो आपको पता है लोकेशन प्रीमियम लोकेशन है, ओवरऑल डेवलप्ड सोसाइटी है, एक्सेस वाइज ग्रीन जी। तो व्यूअर्स मैं आप लोगों को विजिट करवा दिया है ओवरऑल, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके जो कुछ प्लस पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की सोसाइटी है, इसके साथ जो इसकी एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है। जैसे कि आप इस्लामाबाद 0 पॉइंट से आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि तकरीबन 8 से 10 मिनट की दूरी पे है और मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे है ये सोसाइटी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ जो इसकी डेवलपमेंट है बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट है और बहुत ही खूबसूरत इसको डेवलप किया जा रहा है और एक डेवलप सोसाइटी है। आप आज अपना प्लॉट लें, आप अपना बिजनेस का कोई भी लोकेशन लेते हैं तो आज आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप इसकी जो ग्रीनरी है इसकी खूबसूरती है वो बहुत इन्हेंस करती है।
जी तो व्यूवर्स, मैंने आपको सोसाइटी के बारे में तमाम जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे तो देखें बहुत खूबसूरत है, डेवलपमेंट भी है, ओवरऑल इसमें एनओसीज भी हैं, आईपी की सोसाइटी है, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है यहाँ पे, ओवरऑल तो सारी चीज़ें। जी तो व्यूवर्स मैंने आपको तमाम इसकी फैसिलिटीज़ बता दी हैं, मैंने पूरा ओवरऑल विजिट किया है, ओवरऑल इसको रिसर्च किया, तो मुझे तो इसमें कोई इतनी नेगेटिविटी मिली नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट जो लगा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कॉस्ट के अकॉर्डिंगली ये थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लग रही है एंड यूज़र के लिए जो घर बनाना चाहते हैं उनके लिए, तो ओवरऑल तो बेस्ट सोसाइटी है, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, सिक्योर है आपकी। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम आगे आपके लिए कौन सी सोसाइटी को या कौन से प्रोजेक्ट को रिव्यू करें, और अगर आप गुलबर्ग ग्रीन के बारे में और मजीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर हमारा नंबर भी आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हों। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।